भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। सबसे पहले मुझे यूनिवर्सिटी में बुलाने के लिए आदरणीय कुलपति डॉक्टर रोहित भाई देसाई जी को मैं प्रणाम करता हूं, धन्यवाद देता हूं। प्रोफेसर डॉक्टर के पटेल साहब, रजिस्ट्रार साहब को प्रणाम करता हूं। डॉक्टर बलराम चावड़ा जी, उपाध्यक्ष शिक्षक संघ, आपको प्रणाम करता हूं। बहन स्मिता जी, जहाँ जी चेयरमैन विधि विभाग को प्रणाम करता हूं। इसके अतिरिक्त यहां पे डॉक्टर जे बोरा साहब आए हुए हैं, शैलेश भाई पटेल साहब आए हैं, देव सिंह राठवा जी आए हुए हैं, सभी जितने भी यहाँ डिपार्टमेंट हैं उनके HODs आए हुए हैं, अशोक सराफ साहब आए हुए हैं, शैलेश भाई मेहत ठक्कर साहब हैं जो यहाँ के DGP हैं, मदन सिंह जी हैं, अमित अग्रवाल जी हैं, इसके अलावा बहुत बड़ी संख्या में अधिवक्ता आए हुए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट आए हुए हैं, डॉक्टर आए हैं, और बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे मुझे लॉ स्टूडेंट्स भी दिखाई दे रहे हैं। सबको मैं यथोचित प्रणाम करता हूँ, अपना स्नेह भेंट करता हूँ, अपना आशीर्वाद देता हूँ। हमारे देश में कई चीजें गड़बड़ हुई हैं और उसका सबसे पहला गड़बड़ तो यही हुआ, हम अपने हर कार्यक्रम के शुरुआत में वंदे मातरम भारत माता की जय बोलते हैं, और ये आज से नहीं बोल रहे हैं। वंदे मातरम भारत माता की जय जब से हम गुलाम हुए हैं तब से बोल रहे हैं, चाहे वो पहले 700 साल 500 साल वाली गुलामी थी या बाद वाली 200 साल की गुलामी थी, हमेशा उन गुलामी से मुक्ति के लिए हम वंदे मातरम भारत माता की जय बोलते रहे। और जब भारत का संविधान बनना शुरू हुआ, लगभग 300 साल तक ये बना, 3 साल तक इसमें बनाने में समय लगा, पूरा संविधान बन गया और 26 नवंबर 1950 को हमने अडॉप्ट भी कर लिया। हम लोग सोचते हैं 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, नहीं, इसके कई सारे आर्टिकल्स, कई सारे प्रोविजन 26 नवंबर 1949 को लागू हो गए थे, कई सारे। वी द पीपल ऑफ इंडिया, अगर आप प्रीएम्बल पढ़े तो उसमें लिखा हुआ है कि हम भारत के लोगों ने 26 नवंबर को इस संविधान को अडॉप्ट कर लिया। पूरा संविधान बनने के बाद एक विषय बचा हुआ था कि भारत का नेशनल एंथम क्या होगा, राष्ट्रगान क्या होगा। क्योंकि पूरा आजादी का आंदोलन वंदे मातरम से हुआ था, वंदे मातरम के नाम से अखबार निकलता था, वंदे मातरम के नाम से गजल लिखी जाती थी, वंदे मातरम के नाम से नाटक होता था जगह जगह, वंदे मातरम के नाम से गजल लिखी गई थी, इसके अलावा मतलब पूरा जो पूरा पूरा एक तरीके से वंदे मातरम एक वॉर क्राई हो गया था। प्रत्येक कार्य की शुरुआत वंदे मातरम भारत माता की जय से होती थी, और वंदे मातरम से अंग्रेज इतने परेशान हो गए कि उन्होंने एक बार तो वंदे मातरम को बोलना ही देशद्रोह घोषित कर दिया। वंदे मातरम भारत माता की जय अपने आप में देशद्रोह हो गया। वंदे मातरम भारत माता की जय से अंग्रेज इतने परेशान हो गए कि उन्होंने यहां पे एक नेशनल एंथम इंपोज करने की कोशिश किया, उसको कहते हैं गॉड सेव क्वीन, जो उनका खुद का नेशनल एंथम था गॉड सेव क्वीन, उसको भारत में लागू करने की कोशिश किया। जैसे उन्होंने डिक्लेयर किया कि गॉड सेव नेशनल एंथम होगा भारत का, तुरंत बंकिम चंद चटर्जी जी ने 24 घंटे के अंदर वंदे मातरम गीत लिख दिया उसके रिएक्शन में। तो पहले केवल वंदे मातरम बोला जाता था लेकिन वंदे मातरम गीत हमारे पास नहीं था, लेकिन जब अंग्रेजों ने गॉड सेव क्वीन को इंपोज किया तो उसके बदले में बंकिम चंद चटर्जी ने वंदे मातरम पूरा गीत लिख दिया। फिर अगले दिन से हर सभा में वंदे मातरम गीत भी गाया जाने लगा। तो जब संविधान पूरा बन गया तो यह हुआ कि भी भारत का नेशनल एंथम क्या होगा, तो ज्यादातर लोगों का यह कहना था भाई जिसपे हमने पूरा आजादी का मूवमेंट लड़ा है वही होना चाहिए, तो वंदे मातरम होना चाहिए। इनफैक्ट हर साल कांग्रेस का अधिवेशन होता था, उस कांग्रेस के पहले 5 अधिवेशन जो शुरू के 5 साल अधिवेशन हुए थे उसमें भी वंदे मातरम गाया गया था, और एक बार तो जनगण मन लिखने वाले रविन्द्रनाथ टैगोर ने खुद ही गाया था।
पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, लेकिन नेशनल एंथम क्या होगा इसका समाधान नहीं हुआ। तो जो लोग राष्ट्रवादी थे वो बोले वोटिंग कराओ, संविधान वहीं बनता था जहां पुरानी वाली पार्लियामेंट थी, वहीं बनता था, सेंटर हॉल में लोग बैठते थे, रेजोल्यूशन आता था, अमेंडमेंट आता था, उस पर वोटिंग होती थी, कई बार वोटिंग भी होती थी। तो ज्यादातर लोगों ने बोला ठीक है काम करिए अगर डिस्प्यूट है, क्योंकि कुछ लोगों का कहना था जनगणमन होना चाहिए, तो लोगों ने उस पर दलील दिया कि जनगणमन का हमारे आजादी के आंदोलन में कोई योगदान नहीं है, पूरा पूरा फ्रीडम मूवमेंट वंदे मातरम से लड़ा गया, तो एक काम करिए वोटिंग करा लीजिए। लेकिन जब वोटिंग की बात आई तो जो लोग जनगणमन के पक्ष ले रहे थे उनको समझ में आया है तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि वोटिंग तो सारी की सारी वंदे मातरम के पक्ष में जाएगी, जनगण के मन के पक्ष में वोटिंग आएगी नहीं। फिर सब लोगों ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से बोला आप इसका एक बीच का रास्ता निकालिए। तो 24 जनवरी 1950 जिस दिन हम रिपब्लिक डे मनाते हैं, इसके ठीक दो दिन पहले एक स्पेशल सेशन बुलाया गया जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि जनगण मन और वंदे मातरम दोनों को एक समान सम्मान मिलेगा, दोनों को एक जैसी इज्जत मिलेगी, दोनों का एक ही प्रोटोकॉल होगा, जहां जहां जनगण मन गाया जाएगा वहां वहां वंदे मातरम भी गाया जाएगा। लेकिन धोखा हुआ 1973 में जब एक कानून बना नेशनल ऑनर एक्ट, और उस नेशनल ऑनर एक्ट में जनगण मन को तो शामिल कर लिया, वंदे मातरम को छोड़ दिया, जबकि संविधान सभा की जो हमारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं आप संविधान सभा की 24 जनवरी 1950 का रेजोल्यूशन पढ़िए, साफ साफ लिखा हुआ है, नहीं तो मेरी पीआईएल चल रही है वंदे मातरम को भारत का राष्ट्रगान घोषित कराने के लिए, मेरी पीआईएल भी चल रही है, आप गूगल करिए वंदे मातरम अश्विनी उपाध्याय, आपको डिटेल मिल जाएगा, उसमें मैंने पूरा रेजोल्यूशन में डाला हुआ है, मेरी पिटीशन भी वो गूगल पे अवेलेबल है। तो जनगण मन के लिए पूरा प्रोटोकॉल बन गया कि इतने सेकंड में गाया जाएगा, ये म्यूजिक होगी, जब गाया जाएगा तो लोग खड़े हो जाएंगे, कोई इंसल्ट नहीं करेगा, इंसल्ट करेगा तो 3 साल की सजा होगी, सब बन गया। लेकिन वंदे मातरम का अपमान करने पे क्या होगा, वंदे मातरम कितने सेकंड में गाया जाएगा, वंदे मातरम की म्यूजिक क्या होगी, ये आज तक डिसाइड नहीं हुआ। इसलिए मैंने पीआईएल फाइल किया कि जब पूरा का पूरा फ्रीडम मूवमेंट वंदे मातरम से हुआ तो वंदे मातरम को भी वही सम्मान मिलना चाहिए जो जनगण मन को है। एक्चुअल में हम लोग सोचते हैं कि जनगण मन हमारा राष्ट्रगीत है और जनगण मन हमारा राष्ट्रगान है और वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत है, लेकिन एक्चुअली ऐसा राष्ट्रगीत है, नेशनल सॉन्ग है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। वो हमने एक अपने दिमाग से बना लिया कि जनगण मन हमारा नेशनल एंथम है और वंदे मातरम हमारा नेशनल सॉन्ग है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी उसकी लड़ाई चल रही है, वो सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। आज मुख्य जो विषय रखा हुआ है आपने वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय रखा है, समान नागरिक संहिता, और क्या इसमें भ्रम है, क्या इसकी सच्चाई है, इसको समझने के लिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि कुछ समय के लिए, अगले 1 घंटे के लिए अपनी जाति, अपना रिलीजन इस हॉल के बाहर छोड़िए, एकदम, और केवल मनुष्य बन के रहिए। अगड़ा पिछड़ा, दलित सवर्ण, हिंदू मुसलमान, सबको इस हॉल के बाहर निकाल दीजिए। इस विषय को अच्छी तरीके समझना है तो इंसान बन के इस विषय को समझेंगे तो बहुत अच्छी तरीके समझ में आ जाएगा, 100% समझ में आ जाएगा, अगले 1 घंटे के अंदर समझ में आ जाएगा, और फिर आप उस पर किसी से डिबेट कर लेंगे। हिंदू मुसलमान बन के अगर इस विषय को समझेंगे तो समझ में नहीं आएगा। मैं कोई बौद्धिक नहीं करता कि केवल आपको सुनना सुनना है, इसलिए जब आपसे कुछ भी कहूं तो जोर से उत्तर दीजिए, इतना तेजी से उत्तर दीजिए, एकदम पीछे से आप इतनी तेज आवाज आए कि यहां तक पहुंच जाए। यहां तक पहुंचना इसलिए आवश्यक है कि हमारी आपकी चर्चा कम से कम 3 करोड़ लोगों तक तो जाएगी, इससे ज्यादा भी जा सकती है। अगर आपकी आवाज बहुत तेज रही तो हो सकता है 4 करोड़ 5 करोड़ भी चला जाए, लेकिन 3 करोड़ लोगों तक जाएगी, ऐसी व्यवस्था एक है। पूरे देश भर में 200-300 यूट्यूबर्स हैं जो इस वीडियो को डालते हैं, अलग अलग फेसबुक के पेज हैं डालते हैं, इंस्टाग्राम पे लोग डालते हैं, फिर व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं, सामान्य 3 करोड़ के आसपास तो जाता है। मेरा आग्रह है पाटन की इस वीर भूमि से आप
लगातार हमारे साथ संवाद करिए, और अभी तो हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं और उसके बाद आप हमसे सवाल पूछेंगे, हम आपको उत्तर देंगे। ऊपर वाले को क्या पसंद है? ऊपर वाले का मतलब हिंदू भगवान मानते हैं, मुस्लिम उसको अल्लाह कहते हैं, क्रिश्चियन उसको गॉड कहते हैं, जो जिसको जो कहते हैं। ऊपर वाले को सत्य पसंद है कि असत्य? जोर से बोलिए जरा। ऊपर वाले को हिंसा पसंद है कि अहिंसा? चोरी पसंद है कि ईमानदारी? ब्रह्मचर्य पसंद है कि व्याभिचार? शौच पसंद है कि गंदगी? संतोष पसंद है कि असंतोष? ऊपर वाले को धर्म पसंद है कि अधर्म? रीति पसंद है कि कुरीति? प्रथा पसंद है कि कुप्रथा? महिला पुरुष में समानता पसंद है कि असमानता? देश के सभी इंसान को एक समान मानता है कि अलग अलग मानता है? ऊपर वाले को वसुधैव कुटुंबकम पसंद है या नफरत? ऊपर वाले को नारी तू नारायणी पसंद है या महिला पुरुष अलग अलग हैं? बस आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड समझ में आ गया। आ गया समझ में? अब तो बंद भी कर दूं तो बात बन गई, अब तो बंद भी किया जा सकता है। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड एक पॉलिटिकल फुटबॉल हो गया है, लेकिन यह यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत के संविधान में तब आया था जब जनसंघ की स्थापना नहीं हुई थी, जब बीजेपी की स्थापना नहीं हुई थी, और तो और छोड़िए जब मोदी जी का जन्म भी नहीं हुआ था। मोदी जी की डेट ऑफ बर्थ है 17 सितंबर 1950 और आर्टिकल 44 यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड की डेट ऑफ बर्थ है 23 नवंबर 1948। तो मोदी जी से कितना बड़ा हो गया? दो साल। तो फिर ये मोदी जी का विषय कैसे हो गया? हाँ, ये अलग बात है कि जिस विषय को नेहरू जी को लागू करना था, इंदिरा जी को लागू करना था, इंदिरा जी नहीं कर पाई तो राजीव जी को करना चाहिए था, राजीव जी नहीं कर पाए तो बीपी सिंह को करना चाहिए था, वो नहीं कर पाए तो नरसिंह राव को करना चाहिए था, चंद्रशेखर जी को करना चाहिए था, पहले के 15 प्रधानमंत्रियों को करना था, वो नहीं कर पाए। अब उसको करने के लिए आपके गुजरात की धरती पे पैदा हुए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हम कहते हैं कि यह तो मोदी जी का विषय है। अरे मोदी जी का विषय नहीं है, यह संविधान का विषय है। यह बाबा साहब अंबेडकर का सपना था, यह सरदार पटेल का सपना था, यह रफी अहमद किदवई का सपना था, मौलाना कलाम का सपना था। ये हमारे जो 300 लोग संविधान सभा में थे, एक दो नहीं 300, उन 300 लोगों का सपना था कि भारत को भारतीय मूल्यों के अनुसार, भारतीय संस्कृति के अनुसार, भारतीय प्रथा के अनुसार, भारतीय परंपरा के अनुसार, भारत की जीवन शैली के अनुसार, जब हम स्वतंत्र हो चुके हैं तो गुलामी की भाषा, गुलामी की निशानी, गुलामी के रीति रिवाज, गुलामी की परंपरा, सब कुछ गुलामी का खत्म होगा। अब भारत चलेगा भारतीय संस्कृति के अनुसार, और भारत की संस्कृति में महिला पुरुष में भेदभाव नहीं किया जाता, बल्कि भारत की संस्कृति में बेटी को तो बेटे से ऊपर रखा जाता है। इसका उदाहरण आप पुराने राज्यों को देखिए, किसी भी राजकुमार का नाम उस राज्य पे नहीं था, लेकिन राजकुमारियों का नाम उस राज्य पे था। गंधार राज्य की राजकुमारी, जोर से बोलिए, कौशल की राजकुमारी, सौमित्र की राजकुमारी, पांचाल की राजकुमारी, ये हमारे देश की परंपरा थी, ये हमारे देश की परंपरा है। हमारे देश दुनिया में महिलाओं के प्रति तीन विचार है, एक भारतीय विचार, एक अमेरिका और यूरोप का विचार, और एक अरब का विचार। भारत का विचार है नारी तू नारायणी, नर तू नारायण भारत का विचार नहीं है, नारी तू यत्र नारंती पूज्यते रमंते तत्र देवता,
जहां नारी की पूजा होती है, जहां नारी की सम्मान, नारी का सम्मान होता है, वहां देवता निवास करते हैं। ये कहां की परंपरा है? तो भारत में हमने महिला पुरुष को, बेटे और बेटी को, पुत्र और पुत्री को बराबर नहीं माना, बल्कि पुत्री को थोड़ा ऊपर का दर्जा दिया। इसलिए हमारे किसी भी त्योहार में पुरुषों की पूजा होती है क्या? नवरात्रे में किसकी पूजा होती है? कन्या पूजन होता है। साल में दो बार किसकी पूजा होती है? कन्या पूजन। दूसरी सोच अमेरिका और यूरोप की है, वो कहते हैं महिला पुरुष समान होते हैं, लेकिन वो महिला को पूजनी नहीं मानते, महिला को ऊपर नहीं मानते, समान मानते हैं लेकिन महिला को उपभोग की वस्तु मानते हैं। मैं संसदीय शब्द यूज कर रहा हूं, बाकी आप खुद समझ सकते हैं। इसीलिए अरब और यूरोप में बहुत छोटे छोटे कपड़े महिलाओं को पहनाए जाते हैं, क्योंकि उनको वो उपभोग की वस्तु मानते हैं, वो चाहते हैं महिला का प्रत्येक अंग दिखता रहे, और वो सार्वजनिक उपभोग की वस्तु मानते हैं। तीसरी विचारधारा अरब की है, वो भी महिला को पूजनी नहीं मानते, बेटी को पूजनी नहीं मानते, बेटी को ऊपर नहीं मानते, वो भी महिला को उपभोग की वस्तु मानते हैं, लेकिन वो प्राइवेट उपभोग की वस्तु मानते हैं कि ये केवल मेरे उपभोग की है, सार्वजनिक उपभोग की नहीं है, इसलिए उसको ऊपर से लेके नीचे तक काले कपड़े में ढक देते हैं, उसकी आंख भी कोई ना देख पाए, केवल मैं ही देखूं। ये तीन विचार हैं पूरी दुनिया में महिलाओं के प्रति।